इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीतापुर के जो है थाना रामपुर मथुरा इलाके के गांव पालापुर गढ़ी में जो है शनिवार सुबह 6 लोगों के शव एक ही घर से मिलने में के मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 6 शव में से 2 शवों का जो है अंतिम संस्कार आज रात में ही कर दिया जाएगा, जबकि 4 शवों को लेकर मृतका प्रियंका के भाई अंकित जो है उनको लेकर लखनऊ जाएंगे। किन लोगों की जो है सब की आज जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा और किनको लखनऊ लेकर जाएगा, क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा जी। जी दुर्गेश जी, बताएं क्या पूरी जानकारी है। अरुणेश जी, आपको बता दें कि पूरी जानकारी ये निकल करके आ रही है, जो मृतका प्रियंका है उसके भाई अंकित से बात हुई तो अंकित ने जानकारी दी है कि हम अपने भांजियों, जो दोनों भांजियां हैं और एक भांजा और उसकी बहन प्रियंका, उसको लेकर लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ में हम अब उसका अंतिम संस्कार करेंगे, पूर्वक से अंतिम संस्कार करेंगे। और जो अनुराग मृतक है, अनुराग और अनुराग की माँ, उसको लेकर के पाल्हापुर आया जा रहा है। उनके चाचा आरपी सिंह है, जो उनसे बात हुई उन्होंने ये जानकारी दी है कि इन 2 शवों का अंतिम संस्कार रात में ही कर दिया जाएगा। दुर्गेश जी, हमारे दर्शकों को जानकारी ये दीजिए, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि इन शवों का अंतिम संस्कार देर रात ही क्यों किया जा रहा है? बताया जाता है कि गोली लगी है या अन्य हथौड़े लगे हैं, इस कारण से पोस्टमार्टम हुआ है, इस कारण से लाशों का खराब भी हो सकता है, हो जाना, या गर्मी पड़ रही है। उधर यही आरपी सिंह का ये कहना है कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए हम रात को ही शव का अंतिम संस्कार करेंगे। और उधर आपको बता दें, एक पहलू पुलिस से जब बात की गई इस मामले में, इंस्पेक्टर महेश चंद पांडे से बात की गई तो उन्होंने सीधे तरीके से अपना पल्ला झाड़ते हुए एक तरफ से नजर आए। उन्होंने कहा कि हम अभी आपको ये जानकारी नहीं दे सकते हैं कि रात में शव का अंतिम संस्कार होगा या सुबह होगा, ये परिवार के ऊपर निर्भर है। दुर्गेश जी, एक अहम सवाल हम ये भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए कि जो 4 शव है जिन्हें मृतका प्रियंका का भाई लखनऊ ले जाने की बात कर रहा है, वो कौन कौन से शव है और ऐसा क्यों किया जा रहा है? जी आपको बता दें, जो 400 लखनऊ ले जाने की बात की जा रही है, उसका भाई अंकित बात कर रहा है, उसमें से उसकी बहन मृतका बहन प्रियंका, उसके भांजी अरवी और अरना और उसका भांजा आद्विक, इन 4 लोगों को लखनऊ लिए जा रहे हैं। उनका यह कहना है कि हम वहां लेकर नहीं जाएंगे, ये हमारा परिवार है, हम इस परिवार को लिए जा रहे हैं। और उन्होंने एक अभी आई इंडिया के दर्शकों ने देखा भी, आई इंडिया पे एक खबर प्रकाशित हुई है जिसमें अंकित ने आरोप लगाए हैं उसके भाई और उसके चाचा पर ही आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर। और आपको बता दें कि जब ये आरोप लगाए जा रहे हैं तो उनका ये कहना है कि उनके परिवार के लोग यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस तक पहुँचे भी नहीं है, कोई परिवार का एक लोग वहाँ पहुँचा था। और आपको जानकारी दे दें कि अंकित का साफ तौर से कहना है कि हम अपना परिवार अपने घर ले जाएंगे, लखनऊ लेकर जाएंगे, वहां पर इसका विधि पूर्वक से अंतिम संस्कार करेंगे। तो ये है पूरी जानकारी, जिसमें आपको बता दें शनिवार सुबह सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना इलाके के गांव पाल्हापुर गढ़ी में जो है मृतक अनुराग सिंह व उनके परिवार की जो है के सब एक साथ जो है एक ही घर से बरामद हुए थे। आपको बता दें, मामले में जो पुलिस का कहना था कि जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त जो है अनुराग सिंह ने पहले जो है अपनी मां का, अपनी पत्नी का और तीनों मासूम बच्चों का कत्ल किया बेरहमी से, और उसके बाद तीनों बच्चों को छत से भी नीचे फेंक दिया। लेकिन जो मृतका है प्रियंका, उसके जो भाई हैं उन्होंने गंभीर आरोप जड़े हैं। उनका कहना है कि यह मामला जैसा दर्शाया जा रहा है वैसा मामला यह बिल्कुल नहीं है, इसमें वेल प्लान्ड तरीके से मर्डर किया गया है और यह करोड़ों की संपत्ति का मामला है। फिलहाल अपने दर्शकों को हम बता दें, जो ये नई अपडेट मिलकर सामने आ रही है निकलकर, जिनमें 600 में से मृतक अनुराग सिंह का शव और उसकी मां सावित्री सिंह का शव, उसके चाचा आरपी सिंह द्वारा बताया जा रहा है कि आज रात ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसके कारण में यह बताया जा रहा है कि हत्या हुए शव हैं और काफी पोस्टमार्टम के बाद छत विच्छेद भी हो गया, इससे शव के खराब होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन जो मृतका प्रियंका का भाई है अंकित, उसका कहना है कि वह मृतका प्रियंका और तीनों बच्चों, आपको बता दें आरना आसवी और आद्विक का जो शव है, वह मृतका के भाई अंकित का कहना है कि वह अपने परिवार के शवों को लखनऊ ले जाएगा और वहां पर जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल मामले में जो पुलिस है, पुलिस मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रही है। उसका जो जवाब है वो गोलमोल है। उनका कहना है
कि अब यह उनका अपना निजी मामला है, वह उसमें कुछ कह नहीं सकते। इंडिया लगातार मामले में अपनी जानकारी नजर बनाए हुए है और आगे क्या कुछ निकल कर आता है, आप बने रह सकते हैं इंडिया के साथ। इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद दुर्गेश जी।